हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। बच्चों तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्सवाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आई होप सारे बालक बड़े हैं, सारे एकदम बेहतरीन हैं और सारे शानदार हैं। और आई होप तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब जिन बालकों को नहीं पता है, मैं ऑलरेडी बता देता हूँ भैया, तुम्हारा मास्टर 30 का भी जो सीरीज है वो खत्म होने वाली है और तुम्हारा समरी सीरीज जो है वो कई बोर्ड्स के लिए आज इस लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कई बोर्ड्स में कंस्ट्रक्शन वाले जो चैप्टर है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर समरी सीरीज में मैं कवर कराऊंगा, तो जिस बच्चे को अटेंड करना है वो कंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकता है, जिसे नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसे स्किप कर देना। आज तुम्हारा प्रायिकता का लेक्चर होगा, ये सारे बोर्ड्स में है, ठीक है। ये वाला चैप्टर जो है ये सारे बोर्ड्स में है, तो ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। सारे बालक इसे देखना। यहां से आपका क्वेश्चन आता है जनरली 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, 1-1, 2-2 मार्क के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मास्टर 30 का भी इसका वीडियो आने वाला है, जहां पर हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रायिकता के, ठीक है। और समरी सीरीज में लास्ट लेक्चर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन का होगा, तो यानी कि ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और कई बोर्ड्स के लिए लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो इसके साथ मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अब मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर चुका हूं, अब तुम्हारा टाइम है मेहनत करने का, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो के बाद एक कंस्ट्रक्शन की वीडियो और आएगी इस चैनल पर, जो कि आपका क्लास 10th की मेरे लिए मेरी तरफ से आखिरी वीडियो होगी इस चैनल पे। उसके बाद तुम्हें पता है कि PW हिंदी मीडियम 9th and 10th नाम से एक अलग सेपरेट चैनल बन चुका है 9th and 10th वाले बच्चों के लिए, तो तुम लोग सीधा वहां जाकर अपना वीडियोस देख सकते हो क्लास 9th and 10th की। वहां पर योद्धा सीरीज चल रही है, जहां पर बिल्कुल बेसिक से रिवीजन कराया जा रहा है, हर एक चैप्टर को रिवाइज कराया जा रहा है। तो वहां पर तुम उस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो सारी चीजों को, ठीक है। वो भी वहां पर लाइव हो रही हैं चीजें, ठीक है। वहां पर आपके सारे सब्जेक्ट, आपके साइंस और मैथ्स वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जो है वो PW हिंदी मीडियम 9th and 10th पर बिल्कुल फ्री में लाइव पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां जाकर उसे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आज का जो लेक्चर है समरी सीरीज का वो है प्रायिकता के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हारे के स्क्वायर सर आज तुम्हारा प्रायिकता का जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रायिकता ज्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और यहां से जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं या तो आपके शॉर्ट, देखो शॉर्ट बहुत कम, लॉन्ग तो बहुत ही कम आते हैं। यहां से जनरली क्वेश्चन आएगा आपका MCQ, ठीक है, या फिर आपका वेरी शॉर्ट, और कभी कभी रेयर केस में आपके मतलब बहुत ज्यादा ही कभी रेयर केस में आपके शॉर्ट भी आते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत रेयर केस में होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रेयर केस में होगा कि तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर MCQ और तुम्हारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, ठीक है। ज्यादातर MCQ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बेसिक चीजें हैं इस चैप्टर में, ठीक है। असली प्रायिकता जो तुम पढ़ना शुरू करोगे वो तो क्लास 11th में आती है, जब प्रायिकता के साथ परम्यूटेशन आपका क्रमचय संचय लगना शुरू होता है और प्रायिकता में फिर द्विपद प्रमेय लगती है, तो वहां मजा आता है प्रायिकता करने में। अभी तो प्रायिकता बहुत बेसिक सी है तुम लोगों की, बहुत बेसिक सी ही चलेगी, तुम्हें कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा या ज्यादा नहीं देगी, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है, ठीक है। हमारे घटनाओं के प्रकार, प्रारंभिक घटना, पूरक घटना, असंभव घटना, निश्चित घटना, ठीक है। और ये सब क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, प्रायिकता क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को उसकी प्रायिकता बोला जाता है, ठीक है। घटना के, किसी घटना के, मान लो कोई घटना है E, घटना के घटित होने की संभावना, घटित होने की संभावना ठीक है, को हम क्या बोलते हैं, घटना के घटित होने की संभावना को हम उस घटना की प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर हमारे पास कुछ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि मान लो मैंने कोई सिक्का उछाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का प्रयोग हो गया कि भैया अब सिक्का उछालने पर हमारे पास दो घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सा, या तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब हेड आना जो हमारी घटना है वो एक अलग घटना हो गई, टेल आना जो हमारी घटना है वो एक अलग घटना हो गई, ठीक है। या फिर मान लो मैंने एक और प्रयोग किया, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने उठा अपना जो एक डाइस है वो फेंक दिया, ठीक है। एक डाइस जो है वो थ्रो किया, एक पासा जो है वो थ्रो किया, ठीक है। एक पासा जो है वो फेंका। अब पासे को फेंकने पर उस पर एक भी आ सकता है, उस पर आपकी टोटल 6 घटनाएं हैं, ठीक है, जो कि हो सकती हैं। या फिर मैं बोलूं टोटल 6 परिणाम है जो कि हो सकते हैं। उस पर 1 आ सकता है, उस पर 2 आ सकता है, उस पर 3 आ सकता है, उस पर 4 आ सकता है, उस पर 5 आ सकता है, उस पर 6 आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुल घटनाएं हैं जो कि किसी एक आपका किस पर आपके किसी पासे को फेंकने पर हो सकती है। तो अब किसी एक घटना के निकलने की जो संभावना होती है उसे हम प्रायिकता बोलते हैं। अब जैसे कि यार क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब तुम बैठकर दिमाग लगा रहे हो कि यार इंडिया जीतेगी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी कि इंडिया जीतेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर तुम संभावनाएं ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तुम संभावनाएं ढूंढ रहे हो कि यार इंडिया के जीतने की संभावना ज्यादा है या ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावना ज्यादा है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी प्रायिकता है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होती है, किसी प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की संभावना को उसकी प्रायिकता बोला जाता है। अब बच्चों आपकी जो प्रायिकताएं होती हैं, आपकी जो घटनाएं होती हैं, इसमें आपकी 2 प्रकार की घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो असंभव घटना। असंभव घटना वो होती है जो कि हो ही नहीं सकती, जिसके होने की संभावना ना हो, ठीक है। यानी कि जैसे सूर्य का पश्चिम से निकलना, एक पासे को फेंकने पर उस पर क्या कहते हैं 8 आ जाना, ठीक है। पासे पर तो संख्या ही 1 से 6 है, ठीक है, तो 8 कहाँ से आएगा, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर मतलब एक ताश की गड्डी में से 14 नंबर का पत्ता निकलना। अब ताश की गड्डी में तो इक्का बेगम बादशाह, मतलब इक्का बेगम बादशाह गुलाम और तुम्हारे 10 तक के पत्ते होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उसमें 14 का पत्ता कहाँ से निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो ऐसी घटनाएं जिनका होना असंभव है, जिनका होना पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं हमारी असंभव घटना, ठीक है। जिनका होना संभव नहीं है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं असंभव घटना। इनकी प्रायिकता के बारे में हम बात करेंगे। जिनका होना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल, पासा फेंकने पर 8 आना, यह असंभव है भाई, ठीक है। पासा फेंकने पर 8 आना असंभव है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये आपका एक असंभव घटना है। अब इसी के बाद आती है एक निश्चित या निर्धारित घटना। तो भैया ऐसी घटना जिसका होना फिक्स होता है, ठीक है, ऐसी घटना जिसका होना फिक्स होता है कि भाई ये तो होकर ही रहेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो ये चीज तो होगी होगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं निश्चित घटना या फिर आपका निर्धारित घटना, ठीक है। वे घटना जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, उसे आपका वे घटना जिसका होना बिल्कुल निश्चित है उसे हम बोलते हैं निर्धारित घटना। अब एक थैले में तुमने केवल काली बॉल डाली है, एक थैला लिया तुमने, एक बैग लिया, उसके अंदर काली रंग की बॉल डाल दी, ठीक है। तो उसमें से काले रंग की बॉल निकलने की प्रायिकता या उसमें से काले रंग की बॉल निकालना। अभी जब थैले में केवल काली ही बॉल डाली है तो तुम कोई सी बॉल निकाल लो, वो काले रंग की होगी, ठीक है। तो वहां से काले रंग की बॉल निकलना क्या हो गया, आपका निश्चित घटना हो गई, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो ऐसी घटना बच्चों जिनका होना पक्का होता है, जिनका होना निश्चित होता है, उन्हें हम बोलते हैं हमारी क्या, निश्चित घटना। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? ये जल्दी से बताओ, देखो आपका एक थैले में से काली गेंद निकलने की घटना, ये सब तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। निकलने की घटना, जबकि थैले में केवल काली गेंदें हों। काली गेंदें हों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक निश्चित घटना है कि भैया काली गेंद है, थैले में केवल काली गेंद है, तो उस थैले में से काली गेंद निकलना, भाई काली ही गेंद निकलेगी और कोई गेंद ही नहीं है तो कहां से निकलेगी, सीधी बात। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हो गया, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक की कहानी सबको चमकी कि नहीं चमकी? क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आती है हमारे पास प्रायिकता। अब प्रायिकता निकालते कैसे हैं, देखो भाई कोई प्रयोग या फिर कोई घटना अगर हो रही है, ठीक है, कोई प्रयोग आपने किया, जैसे कि मान लो आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है। अब प्रायिकता को सबसे पहले दर्शाते क्या है, घटना। देखो इस चीज को समझना कि आपका कोई घटना ई है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो इसे दर्शाने का तरीका होता है आपका P और ब्रैकेट के अंदर वो घटना जो कि आप क्या कर रहे हो, जो कि आप अपना, जो कि घटित हो रही है, जिसके लिए आप प्रायिकता निकाल रहे हो। जैसे कि यहां पर आपका ई घटना की आप प्रायिकता निकाल रहे थे, तो आपने क्या करा, आपने घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कैसे लिखी, पीई लिख दी कि भैया पीई क्या है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता है। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है पीई बराबर आपका, पीई बराबर देखो प्रायिकता का मान होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब कि अगर कोई घटना आपने एक प्रयोग किया, आपने एक प्रयोग किया, उसमें जिस घटना की आप प्रायिकता निकालना चाहते हो उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं और उस प्रयोग में कुल परिणाम कितने आ रहे हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रायिकता होता है। तो प्रायिकता का अगर मैं सूत्र बताऊं तो ये होता है घटना, घटना ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम। समझ में आया? तो घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे में प्रयोग में आने वाले कुल परिणाम। जैसे कि मान लो एक सिक्का फेंका जाता है, ठीक है, आपका एक सिक्का फेंका गया। अब सिक्का फेंकने पर आपके कुल परिणाम आ सकते हैं हेड और टेल, ठीक है। सिक्का फेंकने पर जो आपके परिणाम आ सकते हैं, सिक्का उछालने पर जो परिणाम आ सकते हैं वो आ सकते हैं हेड और टेल, ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आपका, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ इसमें टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, तो टेल आने की प्रायिकता को मैं बोल देता हूं पीटी। तो सबसे पहले आपका क्या है भैया, घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो टेल आने की प्रायिकता के लिए आपका टेल आने के जो अनुकूल परिणाम है वो ऊपर आएंगे। अब टेल आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, टेल हमारा केवल एक बार आ सकता है, तो टेल आने के अनुकूल परिणाम हो गए एक। और वहीं पर हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे एक हेड आना है और एक टेल आना है, तो कुल परिणाम हो गए दो। तो आपका यहां पर टेल आने की प्रायिकता हो गई 1/2। आपका टेल आने की प्रायिकता हो गई 1/2, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मान लो मुझे हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो भैया देखो एक सिक्का उछालने पर हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो अनुकूल परिणाम हो गया एक। और कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम हो सकते हैं दो हमारे हेड और टेल। तो आप देख सकते हो बच्चों कि आपका एक सिक्का उछालने पर आपका हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता दोनों बराबर होती हैं, यानी कि एक सिक्का उछालने पर आपकी हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना दोनों बराबर होती हैं। इसीलिए आपका जब भी क्रिकेट मैच होता है तो उसमें कौन पहले बैटिंग या बॉलिंग करेगा ये कैसे पता लगाया जाता है, आपका सिक्का उछाल का पता लगाया जाता है, क्योंकि दो टीमों के लिए आपका यहाँ पर जीतने की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं, जो जीतने की संभावनाएं होती हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर होती हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? ये जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है मेरे लाल? चलो जी, अब देखो, अब इसके बाद क्या है, यहां पर आपका बेसिक सारी चीजें मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा तुम लोगों के लिए। तो ये सूत्र सबको क्लियर हो गया कि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर होती है आपका घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम के। ठीक है, ये सबको क्लियर है। ठीक, अब देखो यहां से इसके बाद मेरे पास क्या निकल कर आता है, यहां से इसके बाद मेरे पास निकल कर आता है क्या कि हमारे पास पूरक घटनाएं क्या होती हैं, कि एक निश्चित उद्देश्य से आपका, देखो पूरक घटनाएं क्या होती है, पूरक घटना मैं आपको समझाता हूं। आपकी ये तो भैया देखो गलत लिखा हुआ है, ये तो इसे तो हटाई दो, ये तो हमारा आंकड़ों की परिभाषा लिख दी गई है, हमारे डीटीपी महोदय ने गलती कर दी है। ठीक है, तो देखो इसे हम कर देते हैं गायब, हरे रंग से ही गायब कर देते हैं सर। चलो जी, अरे तो गायब भी नहीं हो रहा भाई, मना कर रहा है गायब होने से भी। ये लो खत्म। हाँ जी, तो अब देखो आपका पूरक घटनाएं कौन सी होती हैं, आपकी किसी घटना की वो प्रायिकता, आपके किसी प्रयोग की वो घटनाएं, पूरक घटनाएं आपके किसी प्रयोग की वो घटनाएं होती है जिसकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, आपका अगर मान लो कोई ऐसी घटनाएं हैं किसी प्रयोग में, ठीक है, कोई ऐसी घटना है किसी प्रयोग में जहां पर आपका, जिनका योग आपके पास कितना आ रहा है, जिनका योग आपके पास एक आ रहा है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं हमारी क्या, पूरक घटना है। समझ में आया, पूरक घटना है, समझ में आया? जल्दी से बताओ। या फिर अगर मैं पूरक घटना की एक पूरी परिभाषा दूं, ठीक है, तो अगर मैं एक प्रॉपर परिभाषा दूं किसी पूरक घटना की कि पूरक घटना क्या होती है, तो देखो पूरक घटना का मतलब यह है कि ऐसी घटनाएं जो कि एक दूसरे के अनुसार क्या हों, आपका एक दूसरे के अनुसार चलती हों। जैसे कि मान लो अगर एक घटना हो रही है, ठीक है, और दूसरी घटना नहीं होती है, तो वो उसकी पूरक घटना हो जाएगी। ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, पूरक घटना हो जाएगी। समझ में आया? तो आपका जैसे कि मान लो यहीं पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ले लूं, ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपका हेड आने की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/2 है। ठीक है, तो टेल आने का मतलब क्या है, टेल आने का मतलब है आपका, टेल आने का मतलब क्या है, टेल आने का मतलब है कि हेड नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आपकी ऐसी घटनाएं, मान लो अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं होगा। मतलब अगर हेड आने की घटना होगी तो टेल आने की घटना नहीं होगी, और अगर टेल आने की घटना होगी तो हेड आने की घटना नहीं होगी। तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई, आपस में पूरक हो गई। ठीक है, तो आपका इसे ऐसे भी बोला जाता है कि मान लो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना 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 ई के घटित होने की प्रायिकता अगर बराबर है आपका पीई के, तो इसे दर्शाया जाता है घटना घटित न होने की प्रायिकता के। ठीक है, जो कि होता है आपका पीई डैश। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हमारा क्या, जिसे हम बोलते हैं इसकी पूरक घटना। क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम बोलते हैं इसकी पूरक घटना। क्या बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं इसकी पूरक घटना। ठीक है, तो आपका पूरक घटना, जैसे कि अब आपकी अगर आपकी इसकी पूरक घटना क्या हो, इसकी पूरक घटना अगर मान लो आपकी पीबी है। ठीक है, कोई घटना है ई के घटित होने की प्रायिकता पीई है। ठीक है, और इसकी कोई दूसरी घटना है पीबी जो कि इसकी पूरक घटना है। मान लो पूरक घटना होगी इसकी, बराबर है पीई डैश के, तो आपका इन दोनों घटनाओं का जो योग होता है वो हमेशा एक के बराबर होगा, वो हमेशा एक के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यही चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि पूरक घटनाएं वो होती हैं जिनकी प्रायिकताओं का योग एक होता है, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता का मान किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर पीई है, तो प्रायिकता का मान हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर और आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0 जो है वो आपकी असंभव घटना की प्रायिकता होगी। ठीक है, अगर कोई असंभव घटना है यानी कि अगर वो नहीं हो सकती है, तो सीधी सी मतलब है अगर वो नहीं हो रही है तो उसके होने की संभावना कितनी हो जाएगी, अगर वो नहीं हो रही है तो उसके होने की संभावना क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई निश्चित घटना है यानी कि फिक्स है कि वो घटना होकर रहेगी, तो सीधी सी बात बच्चों, उसके होने की प्रायिकता हो जाएगी आपका क्या, उसके होने की प्रायिकता हो जाएगी 1। ठीक है, मान लो एक थैले में 4 काली गेंद है। ठीक है, तो उससे काली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो अब 4 काली गेंद है तो काली ही गेंद निकलेगी जब तुम थैले में हाथ डाल के निकालोगे गेंदे। ठीक है, तो यानी कि ये तो निश्चित घटना है। ठीक है, अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, काली गेंद निकलने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम है 4, कुल परिणाम कितने हैं 4, 4/4 1 हो गया। तो आपका असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और इसके अलावा जो ये पीई है वो क्या है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो ये पीई है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगी, हमारा हमेशा क्या होगी, आपका 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो प्रायिकता का मान कभी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, और प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा भी नहीं होगा, यानी कि प्रायिकता का मान कभी आपका 1.4, 1.5, 100, 200, 300 ये भी नहीं हो सकता कभी। ठीक है, याद रहेगा ये सबको, जल्दी से बताओ भाई, याद रहेगा ये सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो भाई जल्दी से। क्लियर है भाई सबको ये, कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी व्यथा वेदना तो बताओ मुझे। क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाएं। अब आगे देखें, आप देखो हमारे पास क्या आता है। इसके बाद जो बेसिक चीजें पहले वो मैं क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारी। और इसमें बेसिक ही है तुम्हारा प्रायिकता का, ज्यादा कुछ है भी नहीं खास, ऐसा कुछ टफ यहाँ पर है भी नहीं कि जो तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया सर ने। सब कुछ बेसिक ही है यहाँ पर। क्लास 10th में तुम्हारा प्रायिकता का बिल्कुल बेसिक ही आता है पढ़ने को, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मान लो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बराबर है पीई के, तो घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता पीई डैश, इसे पीई बार बोलते हैं, ये बराबर होती है तुम्हारा 1 माइनस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता के। घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता बराबर होती है किसके? आपका 1 माइनस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता के। सिंपल ये चीज याद रखना, घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता के। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ, क्लियर है भाई सबको? ये आगे समझ में किसी को कोई डाउट है यहां पर? जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है यहां पर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद अब बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्रायिकता पर आधारित, जो कि बेसिक चीजें थी वो मैंने तुम्हें सारी रिवाइज करा दी हैं। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रायिकता का मान सदैव होता है 1 से बड़ा, 0 से छोटा, 1 व 0 के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि प्रायिकता का मान सदैव 1 व 0 के बीच होता है। ठीक है, क्योंकि आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है, 0 से छोटा और 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता मान। ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता हो सकती है? तो आपको बताना है कौन एक घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बराबर, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखो भैया 2 तो 1 से बड़ा है, यानी कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती। 0.5 ये आपका 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब कि ये प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, 1.5 1 से बड़ा है, ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, और -2 0 से छोटा है, ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक मान है जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, वो है 0.5। तो केवल यही आपकी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अब कह रहा है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी कर चुके हैं भैया। देखो, आपका हेड और टेल, हेड का मतलब होता है चित्त, ठीक है, और टेल का मतलब होता है पट। चित्त भी अपनी पट भी अपनी, सुना होगा ना? ठीक है, वो यही है। हेड का मतलब होता है चित्त और टेल का मतलब होता है पट। तो तुम्हें पता है कि हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? हेड आने की प्रायिकता भी होती है तुम्हारी 1/2, क्योंकि अगर एक सिक्का उछालते हैं तो आपके पास कितनी बार हेड आता है? 1, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1, कुल परिणाम हो गया हेड और टेल, यानी कि 2। ऐसे ही पट आने की प्रायिकता भी क्या होती है? पट आने की प्रायिकता भी तुम्हारी 1/2, क्योंकि अनुकूल परिणाम हो जाता है 1 और कुल परिणाम हो जाते हैं 2। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अभी जब प्रायिकता समझाया था तब निकाल के दिखा दिया था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। ठीक है, सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद पीली गेंद होगी? तो भाई देखो, आपका कुल गेंदें कितनी है थैले में? तो एक लाल है, ठीक है, एक नीली है और एक पीली है। तो कुल गेंदें हो गई हमारी 3। ठीक है, कुल गेंदें हो गई हमारी 3। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे यहां बोलता हूं कि अपनी कौन सी पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पीली गेंदें कितनी है तुम्हारी, पीली गेंदों की संख्या देखो, तो पीली गेंदों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो ये है केवल 1, क्योंकि केवल 1 पीली गेंद है हमारे पास। तो पीली गेंद निकलने की प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता, तो मैं इसे बोल देता हूं PY, पी येलो, वाई का मतलब येलो, पीली गेंद। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, यानी कि आपका पीली गेंदों की जो संख्या है, अनुकूल परिणाम क्या है, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारा पीली गेंदों की संख्या, जो कि कितनी है 1। कुल परिणाम कितने हैं आपकी, कुल गेंदों की संख्या जो कि है 3, तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसी सवाल में अगला भाग देखोगे क्या है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो आपका लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंद कितनी है 1, कुल गेंद कितनी है 3, तो इसकी प्रायिकता भी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में नीली गेंद होने की प्रायिकता, ये भी कितनी हो जाएगी, नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, तो ये भी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अगर देखो यहां पर आपके पास ये जो थैला था, ठीक है, आपका लाल गेंद निकलने की प्रायिकता को मैं बोल देता हूं PR, और नीली गेंद निकलने की प्रायिकता को मैं बोल देता हूं PB। ठीक है, तो अगर तुम नोटिस करो तो इस थैले में मेरे पास 3 ही क्या थी, गेंदें थी। ठीक है, तो जो घटनाएं हो सकती थी इस थैले से या इस प्रयोग में, मतलब ये जो गेंद निकालने का प्रयोग था, इसमें जो घटनाएं हो सकती थी वो 3 ही हो सकती थी, कि या तो नीली गेंद निकले, या पीली गेंद निकले, या लाल गेंद निकले। ठीक है, तो अगर तुम देखो कि इस प्रयोग में होने वाली सभी घटनाओं का की प्रायिकता का अगर मैं योग लूं, इस प्रयोग में होने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकता का अगर मैं योग लूं तो वो कितना आएगा, वो तुम्हारा ध्यान से देखना 1/3, 1/3 और 1/3, ये तुम्हें केवल एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर आ गया कितना 1 + 1 + 1, यानी कि कितना आपका 1। तो देखो यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही मान लो तुमने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर तुम्हारे पास 2 घटनाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी, की या तो एक बार हेड आए, हेड आने की प्रायिकता निकाल सकते हो तुम, टेल आने की प्रायिकता, 2 ही घटना हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं प्रत्येक घटना की प्रायिकता को वहां पर भी जोड़ूं, ठीक है, तो कितना होगा 1/2 + 1/2, 1। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी प्रयोग में होने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकता का अगर तुम योग लो तो वो सदैव 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है, क्या कि किसी घटना में किसी प्रयोग में होने वाली सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, सिंपल चीज है ये, सिंपल, बिल्कुल सीधी साधारण चीज। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, ध्यान से देखो, अब इसके बाद आता है आपके पास ये कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो भैया, पासा फेंकने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं तुम्हारे पास। तो अगर तुम एक पासा फेंकते हो तो तुम्हारे पास कुल परिणाम हो सकते हैं कि तुम्हारे पास 1 आ जाए, तुम्हारे पास 2 आ जाए, तुम्हारे पास 3 आ जाए, तुम्हारे पास 4 आ जाए, तुम्हारे पास 5 आ जाए, तुम्हारे पास 6 आ जाए। ठीक है, तो आपका कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 6। अब ये प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? प्रायिकता पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है? यहां पर ये देखो, 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या मेरे पास केवल 2, 5 और 6। तो 4 से बड़ी केवल मेरे पास 2 संख्या है, 5 और 6। तो 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? आपका 2। ठीक है, तो यहां पर आप क्या निकालोगे? आपका 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये किसके बराबर हो जाती है भाई? ये बराबर हो जाएगी आपका, इसे मैंने बोल दिया मान लो पीई। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को पीई बोल दिया। तो भैया सबसे पहले क्या होगा? 4 से बड़ी संख्या बटे कुल संख्या है। तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है आपकी? यहाँ पर 2, और कुल संख्या कितनी है आपके पास? यहाँ पर 6। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? निकल कर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि फाइनल आंसर निकल कर आ गया 1/3। ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई 1/3। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े अब। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीबीटी में नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को आए वो क्वेश्चन करने। ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक एक नॉन लीप ईयर में, ठीक है, एक नॉन लीप ईयर में कितने भैया आपके 53 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है, कि भैया एक नॉन लीप ईयर है तो उसमें 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? बताओ भाई। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक नॉन लीप ईयर है तो उसमें 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, आपका नॉन लीप ईयर में जो कुल दिनों की संख्या होगी, हल इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझ लेना इसे। सबसे पहले ये देखो, नॉन लीप ईयर में, यानी कि वो साल जो कि लीप ईयर ना हो, ठीक है, तो नॉन लीप ईयर में, जिसे ये समझ में आ गया जो मैं आप बता रहा हूं वो पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा। नॉन लीप ईयर में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या। तो अगर तुम देखोगे तो नॉन लीप ईयर में वही 365 दिन होते हैं साल में। ठीक है, 365 दिन होते हैं साल में। अब अगर तुम देखोगे, एक हफ्ते में होते हैं तुम्हारे कितने? 7 दिन। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, ये जस्ट मैं तुम्हें साइड में बता रहा हूं रफली। ठीक है, और इन 7 दिनों में एक संडे तो आता ही है। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहां पर जितने सप्ताह हैं उतने संडे तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर टोटल सप्ताह कितने हैं भाई? एक दिन, एक हफ्ते में तुम्हारे 7 दिन आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं आपके, अगर एक हफ्ते में मतलब कितने आ रहे हैं, 7 दिन आ रहे हैं, यानी कि आपका अगर हम देखें तो एक दिन में 1/7 सप्ताह आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर 365 रखता हूं तो 365 दिनों में कितने सप्ताह होंगे भाई? 365 दिनों में सप्ताह की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो हो जाएगा 365/7 तुम्हारा 3, 7 पंजे 35 और 1, 7 दूनी 14। तो हमारा 1 बचा, हमारा जो है वो शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर 52 सप्ताह पूरे होंगे और 1 दिन आपका एक्स्ट्रा होगा। तो कहने का मतलब क्या है आपका, अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो मैं 365 को इस तरीके से तोड़ सकता हूं कि हो जाएगा 364 + 1, ठीक है। 364 आपका 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यानी कि आपका 1 दिन में 1/7 सप्ताह हो गए। और 364 दिनों में कितना होगा? 364 दिनों में 364/7, जिसे आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका? 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, बिल्कुल 52 सप्ताह आ गए आपके पास। तो यानी कि ये 364 दिन जो है ये बराबर हो जाएंगे किसके? 52 सप्ताह के, प्लस 1 दिन के। अब देखो ये जो 52 सप्ताह है, इन 52 सप्ताह में आपका हर सप्ताह में 1 रविवार तो होगा ही होगा। आपका इन 52 सप्ताह में 1 रविवार तो होगा ही होगा। तो यानी कि 52 रविवार तो फिक्स है, 52 रविवार तो फिक्स है। आपका बचा क्या? बचा ये 1 दिन, और हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 53 रविवार, ठीक है। तो अब यानी कि आपका एक नॉन लीप ईयर में 53 रविवार आने की प्रायिकता, देखो 52 रविवार तो आएंगे ही आएंगे। 53वां रविवार कब होगा? 53वां रविवार तब होगा जब ये 1 दिन जो बचा तुम्हारा, ये जो 1 दिन बचा तुम्हारा, अगर ये 1 दिन तुम्हारा रविवार बन जाए तो तुम्हारे इस पूरे लीप ईयर में 53 रविवार हो जाएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह तो हैं, 52 सप्ताह हैं, इसका मतलब 52 रविवार तो फिक्स हैं, लेकिन 53वां रविवार होने के लिए इस 1 दिन को रविवार बनना पड़ेगा। तो आपका नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होगी? रविवार होने की प्रायिकता ये तुम्हारा बराबर हो जाएगी इस 1 दिन के, क्योंकि 52 रविवार तो फिक्स है, ये 1 दिन डिसाइड करेगा कि 53 रविवार होंगे या नहीं होंगे। तो इस 1 दिन के रविवार होने की प्रायिकता के होने की प्रायिकता के, ठीक है, रविवार होने की प्रायिकता के। अब 1 दिन के रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी भैया? देखो आपका सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में मैं यहां पर ऊपर कर रहा हूं, तो सप्ताह में हमारे पास होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में संडे, यानी कि ये है रविवार। तो हमारे पास ये जो 1 दिन है, ये 1 दिन तुम्हारा मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये संडे हो। तो अनुकूल परिणाम क्या है हमारा? संडे, जो कि कितने हैं? जो कि है केवल 1। अनुकूल परिणाम हमारा क्या है? संडे, जो कि कितने हैं? केवल 1। तो रविवार होने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम हो गया 1, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे? 7 के 7 दिन, तो यानी कि 1/7। तो भैया 1 दिन में रविवार आने की प्रायिकता हो गई 1/7। तो यानी कि आपका नॉन लीप वर्ष में, यानी कि नॉन लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई आपकी? 1/7। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई सबको? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया सबको? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, क्लियर है सबको? समझ गए सब? बढ़िया से आगे बढ़े। चलो अब देखो इसके बाद सेम एक सवाल और आता है, इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो एक और सवाल आता है, क्या? जैसे नॉन लीप ईयर में आया ऐसे ही लीप ईयर में, तरेपन रविवार होने की प्रायिकता, सेम चीज। ठीक है, अभी नॉन लीप ईयर की बात हुई थी, इस बार लीप ईयर की बात हो रही है। क्या होगी देखो भाई, तो अब फिर से वही चीज कि नॉन लीप ईयर में तो आपके 365 दिन थे, लीप ईयर में कुल कितने दिन है भाई? लीप ईयर में देखो भाई कुल दिनों की संख्या, तो लीप ईयर में अगर मैं कुल दिनों की संख्या की बात करता हूं तो लीप ईयर में देखो नॉन लीप ईयर में होते हैं आपके 365 दिन और लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है आपका 29 फरवरी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये होता है नॉन लीप ईयर, आपका लीप ईयर। ठीक है, 366 दिन होते हैं, तो अब इसके लिए भी सेम चीज बनेगी। 366 को तुम किसमें तोड़ सकते हो? 364 + 2 में। ठीक है, जहां पर 364 का मतलब हो गया 52 सप्ताह, जैसे कि पिछले सवाल में किया था, और बचा क्या? बचा आपका 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो सीधी सी बात है, तुम्हारे 52 सप्ताह का मतलब है कि 52 रविवार तो फिक्स हो गए। 52 रविवार तो फिक्स हो गए। अब आपका इस लीप ईयर में 53 रविवार होने के लिए इन 2 दिनों में से कोई एक दिन जो है वो रविवार होना चाहिए, तभी आपके इस लीप ईयर में टोटल 53 रविवार होंगे। अब यानी कि आपका लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई भाई? ये हमारी बराबर हो जाएगी सीधा सीधा किसके? आपका 2 दिन में एक रविवार होने की प्रायिकता के। ठीक है, अब आपका ये 2 दिन में से एक रविवार होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? लीप ईयर में आपके कुल 53 रविवार होंगे। तो अगर 2 दिन में से तुम्हें एक रविवार चाहिए तो लगातार 2 दिन है, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से दिन हो सकते हैं? इसमें ऐसा हो सकता है कि पहला दिन हो मंडे और ट्यूसडे, दूसरा दिन हो ट्यूसडे, ठीक है, या फिर पहला दिन हो ट्यूसडे दूसरा दिन हो वेडनेसडे, ठीक है, या फिर आपका पहला दिन हो वेडनेसडे दूसरा दिन हो थर्सडे, या फिर आपका पहला दिन हो क्या थर्सडे और दूसरा दिन हो फ्राइडे, या फिर आपका पहला दिन हो फ्राइडे दूसरा दिन हो क्या आपका सैटरडे, ठीक है, या फिर आपका पहला दिन हो सैटरडे दूसरा दिन हो संडे, ठीक है, या फिर आपका पहला दिन हो संडे और दूसरा दिन हो मंडे, ठीक है, या फिर आपका पहला दिन हो मंडे और दूसरा दिन ट्यूसडे। यानी कि तो यही वाली कंडीशन आ गई। तो हमारे टोटल ये परिणाम बन सकते हैं 2 लगातार दिनों के लिए कि पहला मंडे दूसरा ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे दूसरा थर्सडे, पहला थर्सडे दूसरा फ्राइडे, पहला फ्राइडे दूसरा सैटरडे, पहला सैटरडे दूसरा संडे, या पहला संडे दूसरा मंडे। ठीक है, इसमें से 2 दिन में से एक रविवार किन में आ रहा है? इनमें से आप अगर देखोगे तो 2 दिन में से एक रविवार आपका केवल इन दोनों केसेस में आ रहा है। 2 दिन में से एक रविवार केवल इन दोनों केसेस में आ रहा है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई एक केस बनता है तो हमारे 53 रविवार होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास कि 2 दिनों में से कोई एक संडे हो, ऐसे परिणाम कितने हैं? केवल 2। और कुल परिणाम कितने हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से तो कोई सा भी आ सकता है ना, तो 2/7। ये लो भैया, आपका 53 रविवार होने की प्रायिकता जो कि लीप वर्ष में है यानी कि लीप ईयर में है वो कितनी हो गई? वो 2/7 हो गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, दोनों के दोनों ही कई बार पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो भैया, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा, ठीक है। आप यहां पर एक ताश की गड्डी वाले क्वेश्चन और होते हैं कि भैया अगर मान लो एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, ठीक है, वहां से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काले होने की प्रायिकता, ठीक है, उसके लाल होने की प्रायिकता। तो ये सारी चीजें हम मास्टर 30 के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। वहां पर हम अलग अलग टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वहां पर 30 क्वेश्चन करने हैं, तो हर एक तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो वहां पर मैं तुम्हें डिटेल में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पर समरी सीरीज का प्रायिकता का ये लेक्चर जो है वो आज यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। और इसके साथ कई सारे बच्चों का जो समरी सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों तुम्हारी जो शुरू है, क्या एक चैप्टर बचा है कंस्ट्रक्शन, वो जितने बच्चों के सिलेबस में है वो लोग कर लेना, मैं वीडियो बना के जल्दी डाल दूंगा उसकी भी, ठीक है। जितने बच्चों के सिलेबस में वो टॉपिक है वो लोग कर लेना, जिनके में नहीं है भाई अपना अब तैयारी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। हिंदी मीडियम्स की जो मैराथन वगैरह होंगी वो PW हिंदी मीडियम 9th and 10th वाले चैनल पर होगी, तो सारे बच्चे उधर पहुंच जाओ, जाकर उसके नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन कर लो, ठीक है। कम्युनिटी टैब में सारा टाइम टेबल वगैरह आता रहेगा। वहाँ पर योद्धा सीरीज चल रही है जिसमें मैं और बाकी जो साइंस के टीचर हैं और मैथ्स के अक्षय सर हैं वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पर वो लाइव क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी मैथ्स के 6 चैप्टर कवर हो चुके हैं, त्रिभुज मैंने कल ही कराया है, ठीक है। और भैया अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ जाकर उस चैनल को अपना देख लो, ठीक है। वहाँ पर तुम्हारा पूरा कॉन्टेंट आ रहा है रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी मास्टर 30 की प्रायिकता की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।